नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली मोटिवेशन हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज के बारे में जो लाखों करोड़ों और अब्जों में भी नहीं मिलती। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछना था, सच सच बताना तुम एक दिन में कितना समय बर्बाद करते हो। हम सब बहुत सारा समय इन छोटी छोटी प्लास्टिक के टुकड़ों में बर्बाद कर देते हैं और खुद ही रोना रोते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बात सच है या नहीं? लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच है वो ये है कि हम सबके पास टाइम सबके पास इक्वल होता है और इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते। बस आपको ये नहीं पता कि उस समय को इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस काम को कितना समय देना जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये एक पूरा युद्ध है। लड़ने वाले भी आप हो और मैदान में अकेले योद्धा भी आप ही हो। आपको रोज एक मौका मिलता है जीतने का, लेकिन हम मोबाइल चलाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। ध्यान भी देते हैं तो इतनी मजेदार चीज को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। समय को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, खुद से बोलना पड़ता है कि मोबाइल बंद करो, और भी कुछ काम है जो जीवन में ज्यादा जरूरी है। खुद ये निर्णय लेना पड़ता है और दोस्ती यारी में समय बर्बाद करने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो ज्यादा जरूरी है। जब आपके जीवन में से ये टाइम निकल जाएगा तब ना ही आपके दोस्त, आपके परिवार वाले और ना ही आपके चाहने वाले आपकी मदद कर पाएंगे। और दोस्त यार ये तो सिर्फ आपके जिंदगी में साथ देने आते हैं और कई वक्त के बाद वो भी छूट जाते हैं। इंसान के पास कितने सच्चे दोस्त होते हैं, कितना पैसा है और कितनी सफलता है, उसकी क्या पोजीशन है, ये सब मायने रखता है। और अगर कोई तुमसे ये बोलता है कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती तो दोस्त वह बहुत झूठ बोल रहा है। क्योंकि जब बुढ़ापे में मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने जाओगे जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है। इसलिए या तो अभी तकलीफ झेल लो या तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाओ। जरा सोच कर बताओ कि आखिरी बार कब आपने अपना फोन चेक किए बिना घंटों तक लगातार फोकस करके अपना काम किया था। और इस सोशल मीडिया की दुनिया में हम खुद को ही भूल चुके हैं। कुछ ऐसी टेक्निक सीखना जरूरी है जो आपको अपने काम पर ज्यादा फोकस करना और डिस्ट्रेक्शन से खुद को बचा सके। एक बात बता दो कि जितना आप टाइम को इज्जत दोगे वही उतनी ही आपको इज्जत देगी, बाद में तुमको उतनी इज्जत मिलेगी। वरना तुम्हारे जैसे हजारों घूम रहे हैं, सड़कों पर कोई नाम नहीं है, ना कोई इज्जत है और ना उनको कोई कोसता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जवानी में अपने समय को बर्बाद किया होगा। उन्होंने भी वही किया होगा जो आज शायद तुम कर रहे हो। इसलिए कहता हूँ कि खुद को रोक लो, खुद को संभाल लो। हमारे दिमाग में हमेशा दो आवाज होती है, एक तो होती है कि आराम करो, मस्ती करो, और दूसरी होती है कि काम करो। हमें एक अपनी वो आवाज के साथ जाना है जो हमें काम करने पे मजबूर करे। इस दुनिया के शोर हमें वक्त नहीं मिलता कि हम दूसरी आवाज को ही सुन सके, क्योंकि ये हमें बहुत बुरी लगती है। इसे नहीं सुनना चाहते, हम इससे भागना चाहते है और बाद में ये सोचते हैं कि गलती कहाँ हो रही है। इसलिए अपनी उस दूसरी आवाज को सुनो जो तुमको सोने नहीं देती, जो तुमको मोबाइल चलाते समय टोकती है, और उस आवाज को अपना भगवान बना लो। वो जैसा कहे वैसे ही करते जाओ और मौका फिर नहीं मिलेगा, समय फिर नहीं आएगा। और ये घड़ी लगातार चलती जा रही है और समय निकलता जा रहा है, आपकी उम्र भी घटती जा रही है और साथ साथ मौके भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए उठो, दौड़ो और तब तक मत रोको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो आपको बहुत कुछ सीखना मिला हो। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, नए हो ये चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।